मशक थाना अंतर्गत शिवरी गांव में पूर्व के जमीनी विवाद को लेकर एक वृद्ध की गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक मशक थाना क्षेत्र के शिवरी गांव का बिपत राम बताया जाता है। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा दलबल के साथ मौके पर पहुंच मामले की जाँच में जुटे हैं। मृतक के परिजनों ने गाँव के दबंगों द्वारा पूर्व में चला आ रहा जमीनी विवाद को लेकर घर पर चढ़ दबंग पड़ोसियों ने बिपत राम की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। डील एम टीवी के लिए मशक से संतोष कुमार की रिपोर्ट। कुमार मेरे पिताजी के नाम कपिल देव राम, मेरे दादाजी का नाम दीपक राम। वो लोग हमारे ज़मीन में बार बार वो धमकी देते हैं, रास्ता बनाना चाहते हैं, उन लोग के पास में सवाई है, इसलिए हम लोग को दो चार बार इस मामले में मारपीट वो लोग कर दिया। आज सुबह की घटना, वो लोग हम और दादाजी थे, वो आठ नौ फैमिली में थे, और लोग हम लोग को मार दिया और प्लस में दादाजी को गला दबा कर हत्या कर दिया।